हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा आईफोन का आईक्लाउड लॉक आप कैसे बाईपास कर सकते हो एकदम सिंपल मेथड से। दोस्तों, मेरे पास एक आईफोन है और इसमें आईक्लाउड लॉक लगा है, इसको मैं बाईपास करूंगा, वो किस तरह से कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं 3U टूल को ओपन करूंगा और 3U टूल को ओपन कर लेते हैं, ऐश का परमिशन दे देते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा आईफोन है वो आईफोन 6S है और इसका जो iOS वर्जन है वो 13.3.1 है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें आईक्लाउड बाईपास करने के लिए अपना फ़ोन को जेलब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको जेलब्रेक कर चुका हूँ। अगर आपको जेलब्रेक करना देखना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि आईफोन को कैसे जेलब्रेक करते हैं। और उसके बाद हमें इसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा, वो भी 13.2.3 पर। तो हमें ब्राउज पर जाना पड़ेगा, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और मैं ब्राउज को ओपन कर लेता हूँ। और ब्राउज में यहाँ पे हमें टाइप करना है ipsw.me। तो मैंने ऑलरेडी टाइप किया था, तो मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ से चले जाता हूँ पेज पे। और आपको टाइप करना है ipsw.me और फर्स्ट लिंक को ओपन करके आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईफोन है, आईपैड है, आईपोड टच है, एप्पल टीवी है। तो मेरे पास आईफोन है, मैं आईफोन पे क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद आईफोन के जितने भी मॉडल है वो सारे के सारे आपके सामने शो हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईफोन 5S से लेके आईफोन 10 तक आप उनको जेलब्रेक करके उसका आईक्लाउड बाईपास कर सकते हो, लेकिन उसमें जो वर्जन होना चाहिए वो 12.3 से 13.3 के अंदर होना चाहिए, तभी वो आईक्लाउड बाईपास होगा। तो यहाँ पर जो मेरा मॉडल है वो आईफोन 6S है, तो मैं 6S की जो फाइल है उसको डाउनलोड करूँगा। अगर आपके पास आईफोन 7 है, फिर 6 प्लस है, या फिर 7 है, या फिर 8 प्लस है, जो भी है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास 6S है, तो मैं 6S को क्लिक करता हूँ। और उसके बाद हमें ये वाला फाइल को डाउनलोड करना है 13.2.3। और वैसे ही इसमें भी जेलब्रेक हो जाता है, ये iOS जो वर्जन है 13.3, लेकिन इसमें बहुत सारे एरर आता है, जैसे कि होम बटन वर्क नहीं करता है, फिर पावर बटन वर्क नहीं करता है और बहुत सारे एरर आता है। और ये वाला जो वर्जन है iOS वर्जन 13.2.3, इसमें सारे के सारे जो कि एरर को फिक्स किया गया है और इसमें मतलब कोई एरर नहीं दिखाई देता है। तो आपको ये वाला फाइल को डाउनलोड कर लेना है डाउनग्रेड के लिए। मैं तो इस पर क्लिक करूँगा। और उसके बाद देखिए, ये जो हमारा पेज डाउनलोड के लिए ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो इस फाइल का जो साइज़ है वो 3.45 GB का है। और यहाँ से आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और उसके बाद आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, इस फाइल का न्यू आईक्लाउड बाईपास। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, और मैंने डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। तो मैंने इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद न्यू आईक्लाउड बाईपास टूल को ओपन खोलते हैं, आईक्लाउड बाईपास को खोलते हैं, और उसके बाद आईक्लाउड बाईपास को ओपन करता हूँ। और यहाँ पे ऐश का परमिशन दे देते हैं, और यह इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है, बाईपास iOS 13.3 या फिर 13.3.1 इस पर क्लिक करना है, और हमारा जो आईफोन बाईपास के लिए रेडी हो जाएगा। और जो अगर आपका iOS वर्जन 12.4.3 या फिर 13.2.3 है, तो वहाँ पे आप वन क्लिक में आपका इसका आईक्लाउड बाईपास कर सकते हो। लेकिन हमारा जो iOS वर्जन वो 13.1 है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका फ़ोन जो कि वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, और मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है, और जो कि पीसी से भी मेरा कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से। और यहाँ पे देख रही है, ये जो कनेक्टेड हो चुका है और एग्जीक्यूटिंग कर रहा है कमांड को, और यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, लगभग 5 से 6 मिनट भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर कि आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है। और यहाँ पर थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो थोड़ा वेट कर लेते। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आपको आईक्लाउड बाईपास करने के लिए सबसे पहले आईफोन को जेलब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऑलरेडी जेलब्रेक कर चुका हूँ, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कैसे जेलब्रेक करना है। और आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जेलब्रेक का बूटेबल कैसे बनाते हैं, जो कि रैन USB का बूटेबल कैसे बनाते हैं, उसका भी लिंक मिल जाएगा। या फिर आपको अगर वो देखना है
कि विंडो 10 को कैसे इंस्टॉल करते हैं, विंडो 10 का बूटेबल कैसे बनाते हैं, वो सब के सब आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो ये जो हमारा वर्किंग हो रहा है, ये जो एग्जीक्यूटिंग कर रहा है कमांड को, और इसको करने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो इसको करने देते हैं, जो भी टाइम लेता है टाइम ले देते हैं इसको। और देखिए ये एग्जीक्यूटिंग होगा अभी, ये देखिए ये कमांड एग्जीक्यूटिंग हो रहा है। और उसके बाद हमें होम बटन को प्रेस करना है। और देखिए ये बाईपास सक्सेस हो चुका है यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जाना है इसके बाद यहाँ पे जाना है हमें, ये देखिए टच आईडी एंड पासकोड। तो हमें यहाँ पे पासकोड क्रिएट करना है, तो मैं टच आईडी और पासकोड पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें टर्न ऑन पासकोड पे जाना है, एक पासकोड को क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पे मैं 00 अप्लाई करता हूँ और इसको यूज़ एनी भी करता हूँ, फिर इसको वेरीफाई कर देता हूँ। और उसके बाद मैं बैक आ जाता हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे जाना है, ये देखिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑटो लॉक है, इसको 1 मिनट पे रखा है, तो इसको हमें नेबर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नेबर करें चाहे ना करें, आप वो कर सकते हैं, लेकिन बार बार इसमें डिस्प्ले बंद हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको नेबर कर देता हूँ, उसके बाद बैक कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे रीस्प्रिंग करना है यहाँ पे। तो मैं रीस्प्रिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है रीस्प्रिंग पे। तो ये देखिए ये एग्जीक्यूटिंग कर रहा है रीस्प्रिंग कमांड को, तो हमारा जो कमांड है वो उसको एग्जीक्यूटिंग कर रहा है, तो इसको करने देते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 मिनट भी टाइम लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है सब आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर कि वो कितना देर पे हो जाएगा। तो देखिए ये कमांड को एग्जीक्यूटिंग कर रहा है, ये देखिए। और उसके बाद हमारा रीस्प्रिंग के बाद हमें इसमें पासकोड को इंटर करना पड़ेगा, ये देखिए मैं पासकोड को इंटर कर देता हूँ जो मैंने अप्लाई किया था हम लोग ने। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए चेकरन सॉफ्टवेयर आ गया है, इसको ऐप जो इसको इंस्टॉल करना है, इसको ओपन करना है, सॉरी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए सीडिया है, इस सीडिया को इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पे इंस्टॉल सीडिया। और यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग बेस सिस्टम कुछ फाइल को डाउनलोड करेगा यहाँ पे, तो इसको डाउनलोड करने देते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग जाता है, लगभग 2 मिनट का टाइम ले लेता है यहाँ पे भी। तो ये देखिए इंस्टॉलिंग और बहुत ही जल्दी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सीडिया को ओपन कर लेना है, सीडिया को ओपन करेंगे। और सीडिया को ओपन करके हमें यहाँ पे सर्च बार में जाना है, यहाँ पे सर्च इस कोने पे सर्च है, सर्च बार पे जाके हमें यहाँ पे फिल्ज़ा फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे फिल्ज़ा फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ FILZA, ये देखिए फिल्ज़ा फाइल मैनेजर आ चुका है, तो इसको हमें डाउनलोड कर लेना है फिल्ज़ा फाइल मैनेजर को। तो मैं फिल्ज़ा फाइल मैनेजर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। और ये कंफर्म हो रहा है, ये देखिए फिल्ज़ा फाइल मैनेजर। तो ये डाउनलोडिंग भी होता है और साथ में इंस्टॉल भी होता है, दोनों होता है एक साथ। यहाँ पे लगभग आपका 2 से 3 मिनट भी टाइम ले लेता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके वाईफाई कनेक्शन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है, वाईफाई से हो रहा है ये। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आपका मोबाइल जो वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। और इसको होने देते हैं, और देखिए ये हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है इसका। और उसके बाद देखिए ये फिल्ज़ा फाइल मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए अब हमें जाना है रिटर्न टू सीडिया, और यहाँ पे हमें और एक फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे सर्च पे जाएंगे हम, ये सर्च पे
और यहाँ पे हमें टाइप करना है, अब इसको बैक कर देते हैं, यहाँ पे हमें टाइप करना है रेपो, REPO, रेपो। इस रेपो को हमें डाउनलोड करना है, लेपो लॉक्स और ये जिपिंग है, जिपिंग इसको डाउनलोड कर लेना है इसको। तो पहले वाले को रेपो टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, तो रेपो को इसको इंस्टॉल करना है, तो हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। कन्फर्म कर देता हूँ, और यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग जाता है, यहाँ पे भी डाउनलोड हो रहा है। तो हमें ये दो फाइल को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लेना है, एक फिल्ज़ा फाइल मैनेजर और एक रेपो, ये रेपो लोगोस जो है जिपिन फाइल, इसको ज़रूर ज़रूर डाउनलोड करना है। इसके बाद हमें एक सोर्स को सोर्स देना है, तो वो सोर्स को ऐड करना है, तो वो भी करेंगे अभी इस प्रोसेस के बाद। और देखिए ये अब हमें करना है यहाँ पे रीस्टार्ट स्प्रिंग बोर्ड पे जाना है, और इसके बाद हमें पासकोड को इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है फिर सीडीए पे जाके हमें एक सोर्स को ऐड करना है। अब ये ज़रूर से ज़रूर आपको ऐड करना पड़ेगा, और इसको इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सोर्स है, सोर्स पे ऐड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, एडिट पे जाना है, यहाँ पे एडिट, फिर यहाँ पे ऐड पे जाना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको करना है UDEVSH और उसके बाद ARODE, उसके बाद डॉट, फिर गिटहब GITHUB गिटहब, उसके बाद हमें डॉट IO, फिर स्लैश रेपो REPO, इसको इस सोर्स को ऐड कर लेना है। तो मैं इसको ऐड सोर्स कर देता हूँ, और ये वेरीफाई URL हो रहा है, और इसको वेरीफाई होने देते हैं, और देखिए ये भी सक्सेस हो रहा है। तो ये सोर्स को आप जरूर का ज़रूर ऐड करना है। उसके बाद रिटर्न टू CDA पे जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे रीस्प्रिंग कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रीस्प्रिंग कर लेता हूँ, सॉरी रीस्प्रिंग नहीं, हमें ये फिल्ज़ा फाइल मैनेजर को फिक्स कर लेना है, फिक्स फिल्ज़ा मैनेजर, ये जो फिक्स है फिल्ज़ा, इसको कर लेना है, फिक्स कर लेना है। देखिए फिक्स डन हो चुका है। उसके बाद हम क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है रीस्प्रिंग पे, तो रीस्प्रिंग कर देते हैं, और देखिए ये रीस्प्रिंग का जो कमांड एग्जीक्यूटिंग कर रहा है, तो कमांड को एग्जीक्यूटिंग करने देते हैं। तो ऐसे ही 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं यहाँ पे, और देखिए एग्जीक्यूटिंग हो रहा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पासकोड को इंटर कर देना है, जो हमने पासकोड को क्रिएट किया था। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे ये जो बैकअप है वाईफाई, इसको फिक्स कर लेना है, तो बैकअप वाईफाई कर लेते हैं, और बैकअप वाईफाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो इसका सक्सेशन को, जो इसका सक्सेशन फाइल है उसको ऐड करना है। तो वो इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले 3U टूल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं 3U टूल को ओपन कर लेता हूँ, ये मैंने 3U टूल को ओपन कर लिया। और उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे 3U टूल के नीचे यहाँ पे फाइल मिल जाएगा, फाइल, इस फाइल को ओपन करना है, और यहाँ पे जाना है फ़ोटोज़ पे, फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने जो पहला जो हमारा फाइल मिला था, ये जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला था, वहाँ पे आप देखना है, यहाँ पे सक्सेशन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो सक्सेशन है, इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, कॉपी एंड पेस्ट से नहीं होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और हुआ नहीं होगा, नो, तो इसको थोड़ा मैं इससे साइड करता हूँ, तो इसको फिर से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप, और देखिए ये सक्सेस हो चुका है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये देखिए ये सक्सेस हो चुका है, इसको भी क्लोज़ कर देना, और उसके बाद इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और अब हमें क्या करना है, अब हमें फिल्ज़ा फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है, ये फिल्ज़ा,
और फिलजा पे जाके ये देखिए मोबाइल लिखा होगा इस कोने पे, इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए मीडिया है, मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे जाके हमें जो फ़ोटोज़ था फ़ोटोज़ पे जाएंगे। और ये देखिए सक्सेशन फाइल हमारा आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है, डन कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको बैक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे इसको जो फिक्स सक्सेशन करना है, तो यहाँ पे हम फिक्स सक्सेशन कर लेते हैं, इसको कर देते हैं। और देखिए ये सक्सेशन फिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो कि कॉपी फाइल IPSW जो हमने डाउनलोड किया था उसको हम पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए जो मैं फाइल में आपसे पहले बता रहा था 3.2.3 इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जिसको डाउनग्रेड करके इसका आईक्लाउड बाईपास करेंगे, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, यहाँ पे जो कॉपिंग हो रहा है फाइल, ये देखिए 13.2.3 जो कि रेस्टोर IPSW है, यहाँ पे ये कॉपिंग होगा। उसके बाद जो हमारा जो कि आईक्लाउड बाईपास हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है, लगभग 8 से 10 मिनट लग जाता है। तो इसको कॉपी होने देते हैं, इससे पहले हम कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे जब तक इसका कॉपी डन लिखा ना आ जाए, तो इसका प्रोसेस होने देते हैं हम। तो लगभग यहाँ पे 10 मिनट का टाइम ले लेता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। आईफोन 7 का भी लेकर आऊँगा, आईफोन 10 का भी लेकर आऊँगा, बहुत ही जल्द 7 का बहुत ही जल्द आने वाला है। उसका आईक्लाउड बाईपास कैसे होगा वो भी इसी मेथड से करूँगा, डाउनग्रेड करके, वो बहुत जल्दी बहुत वीडियो आने वाला है वो। और ये जो डाउनग्रेड का जो ये प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी कॉपी एंड पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, शिफ्ट की का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली इस ऐप के जरिए, इस आईक्लाउड बाईपास ऐप के जरिए आप सब, मतलब जितने भी आईक्लाउड बाईपास है सब कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे कोई भी एरर को फिक्स, सारे के सारे एरर को फिक्स किया गया, कोई भी एरर देखने को नहीं दिखाई नहीं देता है। ऐसे यहाँ पे देखिए होम बटन वर्क करता है, पावर बटन वर्क करता है, स्मूथली सारे के सारे काम होता है यहाँ पे, जो कि आपको सिर्फ कॉल नहीं कर पाओगे, लेकिन जो कि आप सिम में अगर डाटा है तो डाटा के यूज़ भी कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सारे के सारे एरर को फिक्स किया गया है ये 13.2.3 पे, बहुत ही अच्छा है ये वाला iOS वर्जन जो कि यहाँ पे आईक्लाउड बाईपास होता है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप 13.2.3 पे ही जो कि आईक्लाउड बाईपास करें, इससे ऊपर के वर्जन में करेंगे जैसे 13.3.1 तो यहाँ पे बहुत सारे एरर आता है, जो कि अभी तक इसको फिक्स किया नहीं गया, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो जब ये फिक्स हो जाएगा उसके बाद मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा, तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो इसको होने देते हैं, जितना भी इसको टाइम ले लेता है। और देखिए दोस्तों ये कॉपी डन हो चुका है, जब तक कॉपी डन ना हो आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना है, 8 से 10 मिनट टाइम ले लेता है, तो आपको कॉपी डन तब तक कोई भी काम नहीं करना है। उसके बाद डन कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें रीस्प्रिंग कर लेना है, एक बार फिर रजिस्टरिंग करेंगे ये लास्ट बार, और हमारा काम हो चुका है। और देखिए ये एग्जीक्यूटिंग कर रहा है रीस्प्रिंग कमांड को, और इसको करने देते हैं रीस्प्रिंग। ये देखिए रीस्प्रिंग हो गया, और उसके बाद हमें पासवर्ड को इंटर कर देना जो हमने डाला था। और अब हमें क्या करना है, हमें देखिए यहाँ पे सक्सेशन आएगा, ये देखिए सक्सेशन आ चुका है, इसको ओपन करना है, इसको ओपन करके ये नॉट नाउ कर देना है। उसके बाद सेटिंग पे जाना है, नीचे सेटिंग लिखा होगा, इसको डिसमिस कर देते हैं, सेटिंग पे जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ ओनली रिस्टोर सिस्टम डाटा इसको ऑन करना है, फिर बैक कर देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे है डाउनलोड क्लीन सिस्टम IPS, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें यूज़ द प्रोवाइड IPSW इसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद हमें ये ओवरराइट कर देना है, और देखिए ये वेरीफाई हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको,
ये जो वेरीफाई हो रहा है IPS W, तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसको वेरीफाई होने देते हैं। और देखिए ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, तो इसको बैक कर देता हूँ। और उसके बाद हम क्या करना है, ये देखिए प्रिपेयर फॉर रिस्टोर इसको करना है, और यहाँ पे एग्जिट कर देना है इसको। तो हमें यहाँ पे एक सोर्स को फिर ऐड करना है, तो वो सोर्स क्या है, ये देखिए ऐड रेपो सोर्स CDI, इसको ओपन करेंगे। उसके बाद हमें CDI पे जाना है, तो यहाँ पे हमें रेपो फिर से यहाँ पे सर्च पे जाना है, और यहाँ पे लिख देना है रेपो। तो हम रेपो पे करते हैं, और यहाँ पे इग्नोर करते हैं, और रेपो को लिख देते हैं REPO रेपो, इस फाइल पहले बार फाइल को फिर जैसे इंस्टॉल किया था वैसे ही करना है। तो यहाँ पे मॉडिफाई पे जाएंगे और री इंस्टॉल कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। तो देखिए कंफर्म हो रहा है, और देखिए ये रिटर्न टू CDI। अब हमें क्या करना है, इसको बैक करना है, और यहाँ पे हमें री स्प्रिंग करना है। यहाँ पे मैं री स्प्रिंग कर देता हूँ, तो ये री स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग कर रहा है कमांड को, यहाँ पे देख सकते हो आप। मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूटिंग कर रहा है। तो हमने पहले भी एक रेपो फाइल को इंस्टॉल किया था, अगर वो पहले आप इंस्टॉल करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको करना ही पड़ेगा। तो ये दोबारा फिर मॉडिफाई करना इसलिए पड़ा क्योंकि इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये रिस्टोर नहीं होगा। तो हमने पहले कर दिया था, तो सोचा था कि बाद में नहीं लेगा, लेकिन वो फिर से मांग रहा है, तो हमने दे दिया। ये देखिए एग्जीक्यूटिंग हो रहा है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पासकोड को एंटर करेंगे, और फिर सेशन को ओपन करेंगे, और यहाँ पे अब हम ये जो प्रिपेयर टू रिस्टोर करेंगे, और देखिए ये जो RS आईफोन इसको करेंगे RS कर देंगे। उसके बाद बिगिन रिस्टोर, और देखिए ये फाइल स्टार्ट हो गया, ये देखिए ये हमारा जो अब रिस्टोर चल रहा है, रिस्टोर की प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग जाता है, लगभग 2 से 5 मिनट का टाइम ले लेता है। तो इसको होने देते हैं, ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है या फिर कॉपी कर रहा है, कुछ भी तो कर रहा है, रिस्टोरिंग कर रहा है ये फाइल को, तो इसको करने देते हैं जितना भी टाइम ले लेता है। और देखिए ये प्रोसेस अब चल रहा है, स्टार्ट हो गया, ये देखिए इस टाइप का। तो यहाँ पे इस तरह का प्रोसेस होगा, ये देखिए ये रिस्टोरिंग हो गया, फाइल सब रिस्टोर कर रहा है। और देखिए ये रिस्टोर सक्सेस हो चुका है, और जब तक रिस्टोर सक्सेस ना हो जाए आपको कुछ भी नहीं करना है, और प्लीज़ वेट, अभी भी थोड़ा सा वेट करने का बोल रहा है, तो वेट कर लेते हैं। और इसके बाद हमें इस फ़ोन को क्या करना है, इसके बाद हम इस फ़ोन को हमें फिर जेल ब्रेक करना पड़ेगा। तो अभी इसको ये जो वेट वेटिंग मांग रहा है, तो इसको वेट होने देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और लगेगा, वैसे सक्सेस हो चुका है। और देखिए ये हमारा आईफोन जो कि डाउनग्रेड हो चुका है, अब ये सिर्फ ऐसे ही 10 सेकेंड बाद इसके ऐसे ही करेगा, ये एप्पल लोगों पे आकर अटक जाएगा इस तरह से। देखिए अब हमें इसको जेलब्रेक करना है, तो सबसे पहले हमें अपना कंप्यूटर को जो कि अपने लैपटॉप को सबसे पहले रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हमें लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देना है, तो मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, और ये रिस्टार्ट कर देता हूँ। उससे पहले हमें रैन USB का जो बूटेबल है उसको अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर देना है, और इंसर्ट मैंने कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ये रजिस्टर
रीस्टार्ट एनी वे इस पर करता हूँ, और हमारा जो लैपटॉप वो अभी रीस्टार्टिंग हो रहा है, और जब इसका स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा फिर हमें F12 को प्रेस करना है, जो इसका बूट की होता है वो आपको पता ही होगा, जो कि बूट की होता है उसको मैं बूट को प्रेस करता हूँ। और देखिए ये मैंने बूट को प्रेस कर दिया, और इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और देखिए ये रैनव्यूज़ भी ये आ गया, तो हमें इसको अब इंटर कर देना है। मैं इंटर कर देता हूँ, और उसके बाद देखिए ये रैनव्यूज़ भी जो कि प्रोसेस हो रहा है इसका। और यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है रैनव्यूज़ भी जो कि सेटअप हो रहा है यहाँ पे। और जो हमारा आईफोन है वो देखिए अभी तक एप्पल लोगो पे अटका हुआ है, और जब तक इसे हम जेलब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही बिलिंग करता रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये अभी तक बिलिंग कर रहा है, और देखिए ये एप्पल का लोगो आ चुका है। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पे जो कि विंडोज़ में एप्पल का सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो रहा है, चैक्रन सॉफ्टवेयर। देख सकते हो ये, और इसके बाद ऐसा एक एरो आएगा आपके सामने, फिर यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे लैंग्वेज आएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और ये लैंग्वेज इंग्लिश आ चुका है, तो मैं इंग्लिश पे ही इसको इंटर कर देता हूँ। और इसके बाद देखिए ये मैक ओएस इसमें ओपन हो चुका है, फिर हमें क्या करना है, इसे कंटिन्यू कर देना है, फिर दोबारा कंटिन्यू कर देना है, फिर यहाँ पे एग्री कर देना है। और उसके बाद ये हमें यहाँ पे जाना है यूटिलिटीज़ में, यहाँ पे जाना है और इस टर्मिनल को ओपन कर लेना है, और यहाँ पे हमें टाइप करना है, यहाँ पे मुझे टाइप करना है रैनव्यूज़बी RA1NUSV, रैनव्यूज़बी टाइप करना है, उसके बाद हमें इंटर कर देना है। फिर देखिए ये दूसरा एक विंडो ओपन हो जाएगा इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए जो हमारा फ़ोन जो इसको अब हमें रिकवरी मोड पे लगाना है, तो इसको मैं डाटा केबल को निकाल देता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको होम बटन को प्रेस करके रखेंगे, और जो कि डाटा केबल को इंसर्ट कर देंगे, और जब भी मैंने इंसर्ट कर दिया उसके बाद देखिए ये रिकवरी मोड पे आ चुका है। अगर आपके पास आईफोन 6 है तो आप होम बटन को दबाएंगे, अगर आपके पास आईफोन 7 है, 7 से जितने भी ऊपर जितने भी मॉडल है, तो उसमें आप जो कि वॉल्यूम डाउन को दबाएंगे, और अगर आपसे आईफोन 7 से नीचे जितने भी मॉडल है तो उसको होम बटन दबाना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो चैक्रन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रैक्ट जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और अब हमें क्या करना है, देखिए जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ पे स्टार्ट करना है, और जो कि पावर बटन और जो कि मतलब ये वॉल्यूम बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, तो मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। और ये देखिए पावर बटन को 4 सेकंड तक और वॉल्यूम बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, ये मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैंने 4 सेकंड तक प्रेस करके रखा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब ये DOF मोड पर जाने के लिए ये ऐसा करना पड़ेगा, देखिए ये DOF मोड पर जा चुका है और सक्सेस हो चुका है और देखिए ये अब हमारा जो फ़ोन वो जेल ब्रेक हो गया, ये देखिए तो जो हमारा फ़ोन जेल ब्रेक हो चुका है, और जब तक डन नहीं आएगा तब तक हम डन हो जाएगा थोड़ी देर में। और हमें मोबाइल को देखिए ये होम बटन को प्रेस करना है, अब उसके बाद हमें जो पासवर्ड को इंटर कर देना है जो हमने पासवर्ड बनाया था। और यहाँ पे देखिए ये जो फिर से दोबारा रजिस्टर्ड हो रहा है, और इसको मैं डन कर देता हूँ, यहाँ से डन कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको रजिस्टर्डिंग होने देते हैं एप्पल डिवाइस को, उसके बाद इसको हमें ऐसे क्लोज़ कर देते हैं,
क्लोज करके हमें अब यहाँ पे टाइप करना है रेन यूज बी आर ए वन एन यू एस बी डैश बाईपास बी बॉय पी ए डबल एस। तो बाईपास पे जब इंटर करेंगे उसके बाद हमारे पास दूसरा एक विंडो ओपन हो जाएगा, ये देखिए ये जो आई क्लाउड बाईपास सी ए ये ओपन हो जाएगा। तो इसका प्रोसेस पूरा होने देते हैं उसके बाद जो कि हम इसको बाईपास करेंगे आई क्लाउड। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जब मेरा मोबाइल 13.3.1 था तो यहाँ से बाईपास नहीं होगा, अगर आपका मोबाइल 12.3 से 13.3 के नीचे जितने भी वर्जन है वो सब यहाँ से आई क्लाउड बाईपास हो जाएगा वन क्लिक में। तो यहाँ पे इसको मैं पासकोड देता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ। फिर देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मेरा जो मोबाइल यूएसबी से कनेक्टेड है तो मैं यूएसबी को क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पे जो लिखा है मूव आई क्लाउड टू आई क्लाउड टू ट्रस्ट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और देखिए ये परसेंट लेना शुरू हो गया और देखिए यहाँ से मेरा आई क्लाउड वन क्लिक में बाईपास हो जाएगा। ये देखिए जो रीस्प्रिंग हो रहा है और मैं पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ और देखिए आई क्लाउड बाईपास हो चुका है। यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कोई आई क्लाउड नहीं है और होम बटन वर्क कर रहा है, पावर बटन भी वर्क कर रहा है और यहाँ पे डन भी हो चुका है। और यहाँ पे मैं पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कैमरा भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कैमरा है चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे नॉर्मली चलता है, पावर बटन में चलता है, होम बटन में चलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो दोस्तों आज के लिए बस, मिलते किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।